सवाल पहले भी पूछा गया, कोई स्थानीय लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्होंने कोई थ्रेट की हमें कंप्लेन नहीं की थी या हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बाकी वाकई का हमने आपको ब्रीफ किया है कि ये घर से निकले हसन स्क्वेयर की तरफ जा रहे थे और लाइकली यही है कि इनके पीछे से इनको फॉलो करते हुए आए और यहां पे आके क्योंकि बॉटल नेक बनता है और सिंगल लेन रह जाती है, ये बड़ी एक टारगेटिंग के हिसाब से बड़ी एक आइडियल लोकेशन बनती है कि सामने आके मोटरसाइकिल ने टारगेट किया विंड स्क्रीन से। गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था? साबरी साहब, जो हमें अभी तक पता है साबरी साहब खुद कर रहे थे और इसीलिए फायरिंग भी उस पर हुई है। गोल जो मिले वो कौन सी वेपन से मिले? 30 बोर के गोल मिले, 5 हमें अभी। तो मुलजिमानी तादाद के 5 थी, 4 थी? देखिए फायरिंग करने वाले जो आई विटनेस ने बताया 2 ही थे जो मोटरसाइकिल पे थे, बाकी बैकअप पे थे नहीं थे या और कितने साथी थे वो अभी हमें क्लियर नहीं। आई विटनेस दिखा आपको? मेरा भी बातचीत किया, आई विटनेस मिले हैं अभी, उनको उनसे बातचीत कर रहे हैं। बाकी मुकद्दस है जो एसएसपी सेंटर है उनके कहना ये आई विटनेस हमारी बात तो ये उनके कहना है कि मुलजिमानी तादाद 2 थी जिन्होंने बाकायदा उनके ताकुब में आए थे, जैसे वो यहां पे सिंगल लेन पे पहुंचे जो उनका रुख था वो अपना लिहाजता अपने बात नंबर 10 से हसन स्क्वागी तो ठीक है। वासिक मोहम्मद आप साथ ही रहेगा, तमाम ख्याल से आप अपडेट कर रहे हैं। मारूफ कव्वाल सिकंदर मियादाद ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। सिकंदर मियादाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यकीनी तौर पर ये अफसोसनाक आज ये वाकया हुआ है, मारूफ कव्वाल अमजद साबरी अब हम में नहीं रहे, कैसे इंसान थे वो, आपका उनसे कैसा रिश्ता था? बेहद प्यार करने वाले इंसान थे अमजद भाई और मेरा उनके साथ बहुत सारा टाइम गुजरा। मैं बचपन में था वो या लाहौर जब भी आते थे तो मेरे वालिद साहब के साथ उनका बड़ा प्यार था। उनके वालिद साहब जो थे वो दादा मेरे दादाजी के बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड थे, गुलाम फरीद साबरी साहब साहब, और अमजद भाई तो बिल्कुल हमारे चचाओं की तरह थे। और जब भी लाहौर आना, ये लास्ट मेरी मुलाकात हुई है तकरीबन उनसे 1.5-2 हफ्ते पहले, तो लाहौर आए थे एक, तो मुझे समझ नहीं आ रही एकदम से, मैंने जब ये न्यूज देखी है तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। और बहुत अच्छे कवाल थे, काम तो उनका एक तरफ और आदत के बहुत अच्छे थे वो, और बड़ी शफकत और बहुत पोलाइट। तो आपका जो रिश्ता जिस तरह आपने बताया कि बड़े नफीस इंसान थे, आपका उनके साथ कभी आपने भी उनके साथ परफॉर्म किया कहीं जाकर? जी बिल्कुल, कराची में भी जब भी हम कभी घर में बैठते थे तो हारमोनियम लेकर हमने इकट्ठे गाना, और पाटपतन शरीफ में बाबा फरीद सरकार का जो बुर्स होता है तो वहां पर भी वो अलहदा थे मुझे बुलाकर, तो बड़ा प्यार करते थे वो। तो मैं मुझे समझ नहीं आ रही एकदम से, मैंने न्यूज देखी है तो बस। बिल्कुल, और अमजद साबरी को अपने वालिद की कव्वाली ताजदार हरम से शोहरत मिली। आपके पास जब आपके साथ उनका रिश्ता था, आपके साथ जब वो बैठा करते थे तो अमूमी तौर पर वो कौन सी कव्वाली ज्यादा गुनगुनाना पसंद करते थे? कव्वाली उनको मेरे वालिद साहब की कव्वाली है बाबा पिया मोरी सुन लो सदा, तो वो बैठ कर वो करते थे मैं और वो बड़ा। सही, सिकंदर मियादा साहब आप भी उनके बड़े करीब रहे, किसी किस्म की थ्रेट्स थे उनके पास, कोई धमकियां मौसूल होती थी, किसी से दुश्मनी थी जो आज ऐसा ये वाकया पेश आए? मुझे ये इस तरह नहीं पता, इस बारे में तो नहीं कि उनको क्या कॉल्स वगैरह आती थी या किस तरह से, लेकिन बहुत अच्छे इंसान थे, दुनिया से ले गए तो एकदम से मेरा दिल आउट हो गया मैं। सही, और सिकंदर मियादाद साहब आपने जिस तरह बताया उनकी फैमिली के हवाले से बताया, उनका फैमिली में कैसे बाप थे वो, कैसे भाई थे वो, कैसे बेटे थे वो?